boundary conditions for H. H means magnetic field intensity at the interface between two different media. Means two different media का क्या मतलब है, हमें कोई दो different medium लेने होंगे, उन दो different medium के बीच में कोई interface होगा, उस interface के ऊपर हमें magnetic field intensity की conditions को study करना है. जैसे मैं example दूं, ये मेरे पास कोई एक white sheet है और इस व्हाइट सीट की ये थिकनेस है, बहुत ही इसकी थिकनेस बहुत ही कम है. इस व्हाइट सीट के एक इस राइट हैंड साइड के अंदर एक मीडियम है और इस व्हाइट सीट के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर दूसरा मीडियम है. मींस इस व्हाइट सीट के इस इंटरफेस ने मीडियम वन और मीडियम टू को क्या कर रखा है, सेपरेट कर रखा है. मींस ये मीडियम वन और मीडियम टू के बीच में क्या चीज है, एक इंटरफेस है, एक बाउंड्री है. हमें क्या स्टडी करना है, इस मीडियम की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ अपने फंडामेंटल राइट्स होंगे. इस मीडियम के कुछ अपनी प्रॉपर्टी होंगी, कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. हमें क्या स्टडी करना है, जो इस मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक हैं और इस मीडियम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका अफेक्ट इस बाउंड्री के ऊपर क्या है. वो ये जो इस मीडियम नंबर वन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इस बाउंड्री के ऊपर सडनली अब्रप्टली चेंज हो रही हैं, या वो कॉन्टिन्यूस हैं, या वो डिक्रीज कर रही हैं, या वो इंक्रीज कर रही हैं. सेम वे इस मीडियम नंबर टू की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इस इंटरफेस के ऊपर सडनली ड्रॉप टू जीरो, दे आर कॉन्टिन्यूस, डिक्रीज हो रही हैं या इंक्रीज हो रही हैं, इस चीज को हमें स्टडी करना है. मींस ये एक इंटरफेस है दो मीडियम के बीच में, और उन मीडियम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हमें स्टडी करना है इस इंटरफेस के ऊपर, इस बाउंड्री के ऊपर. तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्या लिया, हमने ये एक लाइन ड्रॉ की. ये जो लाइन जो मैं ऐसे ड्रॉ कर रखी है, ये मीडियम वन और मीडियम टू को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है. इसका मतलब ये क्या चीज है, ये एक इंटरफेस है, एक बाउंड्री है. इस बाउंड्री के ऊपर एक मीडियम है, इस बाउंड्री के नीचे दूसरा मीडियम है. इस बाउंड्री इस इंटरफेस के ऊपर मीडियम वन है, जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, मीडियम वन को एयर का नाम दे रहा हूं. और इस इंटरफेस के नीचे मीडियम टू है, जिसको मैं किसका नाम दे रहा हूं, मैं वाटर का नाम दे रहा हूं. इसका मतलब हमने क्या कर दिया है, ये इंटरफेस दे दिया है, ये एक बाउंड्री दे दी है एयर मीडियम के बीच में और वाटर मीडियम के बीच में. मींस ये एयर मीडियम को और वाटर मीडियम को ये इंटरफेस, ये बाउंड्री क्या करेगी, सेपरेट करेगी. इसका मतलब दो मीडियम के बीच में ये क्या आ चुका है, इंटरफेस आ चुका है. इस मीडियम की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. इस मीडियम नंबर वन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात कर रहा हूं, इसकी परमीएबिलिटी, हमारे पास इस मीडियम की जो परमीएबिलिटी है वो म्यू वन है. परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन वन है. इस मीडियम के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हर पॉइंट के ऊपर जो है वो H1 वेक्टर है. इसका मतलब इस मीडियम की ये जो पैरामीटर्स हैं, इनकी वैल्यू को हमें इस इंटरफेस के ऊपर स्टडी करना है. क्या ये सडनली चेंज हो रही हैं या ये कॉन्टिन्यूस हैं, हमें इस चीज को स्टडी करना है. ऐसे ही इस मीडियम नंबर टू की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज है, पैरामीटर्स हैं. इसकी परमिएबिलिटी मीडियम की म्यू वन है, परंग में म्यू टू है क्योंकि मीडियम टू है.
ये इस मीडियम की परमेबिलिटी म्यू एप्सिलॉन 2 है। इस मीडियम के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो H2 वेक्टर है, और इस मीडियम के अंदर हर पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू क्या चीज है, H2 वेक्टर है। हम बॉटम से टॉप पे जाएंगे तो बॉटम के अंदर ऐसे आएगी मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू, ऐसे हर पॉइंट के ऊपर ऐसे एक्ट करेगी, हर पॉइंट के ऊपर। और इस मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट के ऊपर ऐसे एक्ट करेगी। ये तो अंदर जाने की कोशिश करेगी, ये बाहर जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि मैं अंदर लोअर से अपर चलूंगा तो ऐसे ये वाला शो डायरेक्शन जो शो करूंगा ये बाहर से अंदर की तरफ, आउटर टू इनर, और इसके अंदर इनर टू आउटर डायरेक्शन दूंगा। इसका मतलब हर पॉइंट के ऊपर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऐसे होगी लेकिन इसके अंदर ऐसे होगी हर पॉइंट के ऊपर। तो हमें क्या स्टडी करना है, ये चीज स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, जो इस मीडियम के इस इंटरफेस के ऊपर दो पॉइंट्स लिए, जैसे ये एक इंटरफेस था, इस इंटरफेस के इधर एक पॉइंट लिया और एक इधर पॉइंट लिया। जैसे ये मेरा हाथ सपोज करो इंटरफेस है तो इस इंटरफेस के एक पॉइंट इधर ले रहा हूं और एक पॉइंट इधर ले रहा हूं, और ये दोनों पॉइंट बिल्कुल इस इंटरफेस के मिडल के अंदर है। इसका मतलब इस इंटरफेस के अंदर ये जो दो पॉइंट लिए, मैंने इनको ज्वाइन किया, इनके बीच के अंदर जो डिस्टेंस है, विड्थ जो है वो कितनी है, डब्ल्यू है। ये मैंने ये दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डब्ल्यू है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, डब्ल्यू बाई टू, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, डब्ल्यू बाई टू। इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस डब्ल्यू बाई टू है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस डब्ल्यू बाई टू है। तो मैंने क्या किया, अब मैंने जब इस चीज को मैंने स्टडी कर लिया, दोनों पॉइंटों को स्टडी कर लिया, तो हमारे पास क्या बन गया, एक ये लाइन बन गई। इस लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की इस रीजन के अंदर हर पॉइंट के ऊपर वैल्यू जो होगी वो H1 वेक्टर होगी। उसका कौन सा कंपोनेंट लेना है बाद में बात करेंगे। इसके ऊपर हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंटेंसिटी की, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी H2 वेक्टर होगी। कौन सा कंपोनेंट लेना है हम उसके बात करेंगे बाद में। तो जब इस चीज को स्टडी किया तो ये कोई लाइन इंटीग्रल बन रहा था, और जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लाइन इंटीग्रल को जब स्टडी किया गया तो मैक्सवेल के हमारे पास एक फोर्थ इक्वेशन बन के निकली, और मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन थी वो क्या थी, दैट इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर और ए क्लोज्ड लूप और ए क्लोज्ड पाथ। दैट इज इक्वल टू क्या था वो, हमारे पास करंट डेंसिटी जे वेक्टर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे ई का था ये, दैट इज इक्वल टू, यहां पे क्या था हमारे पास, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई और दैट इज इक्वल टू टी, ये हमारे पास, और ये क्या था, दैट इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल जो फॉर्म बना था वो लाइन इंटीग्रल ऑफ ए दैट और ए क्लोज सरफेस, ये था हमारे पास, दैट इज अ मैक्सवेल फोर्थ लाइन इंटीग्रल इक्वेशन। इसको स्टडी जब यहां पर इंप्लीमेंट किया गया तो हमने इसके राइट हैंड साइड को, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है इसका, और ये हमारे पास इसका राइट हैंड साइड पार्ट है, राइट हैंड साइड पार्ट है। तो मैंने सबसे पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को स्टडी किया, तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को जब हमने स्टडी किया तो लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और ए क्लोज्ड लूप। तो हमें क्या बनाना पड़ा, एक क्लोज्ड लूप बनाना पड़ा। तो मैंने इस लाइन से एक ऐसे एक क्लोज्ड लूप बना दिया, जिस क्लोज इसकी लेंथ कितनी है, एल लेंथ है, और इसकी विड्थ कितनी है, डब्ल्यू विड्थ है।
इसका मतलब लूप को जब भी मैं ट्रेस आउट करूंगा, कैसे ट्रेस आउट करूंगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेस आउट करूंगा, मैंने एक रूल बना रखा है। तो अब हमने बात करनी थी, तो इस लाइन इंटीग्रल को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल किसके अलोंग लिखूंगा, अलोंग ये किसके अलोंग आएगा, अलोंग ए बी, ए बी पाथ के अलोंग आएगा, और ये क्या आएगा एच वन वैक्टर, बाद में बात करेंगे ये क्या बनेगा डी एल वैक्टर प्लस, अब मैं किसके अलोंग चलूंगा लाइन इंटीग्रल किसके अलोंग चलूंगा, अलोंग बी सी के, अलोंग बी सी, बी सी के अलोंग क्या बनेगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एक क्लोज लाइन प्लस क्या बनेगा दैट इज इक्वल टू अलोंग, ये अभी मैं बात कर रहा हूं इस लाइन इंटीग्रल की, तो बाद में इसकी बात कर दूंगा, अलोंग ये किसके अलोंग आएगा, कौन से अलोंग के पाथ आएगा ये, दैट इज इक्वल टू सी डी, और क्या लिखाएगा एच वैक्टर इंटू डी एल वैक्टर प्लस ये लाइन इंटीग्रल अलोंग किसके अलोंग रह गया हमारा, अलोंग डी से सी ए की तरफ, डी टू ए। इसके बाद मैं इन सब की वैल्यू पुट करूंगा यहां पे, या मैं इसको क्या लिख दूं, देखो ये जो लाइन इंटीग्रल अलोंग दिस पाथ है, अब मेरे को ये स्टडी करना है इस पाथ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी एक्ट कर रही है इस रीजन के अंदर, इस मीडियम टू के अंदर हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एच टू वेक्टर है, और कैसे एक्ट कर रही है, आउटर टू इनर एक्ट कर रही है ऐसे, मीन्स हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैसे एक्ट कर रही है, ऐसे एक्ट कर रही है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक पैरेलल कंपोनेंट होगा, एक नॉर्मल कंपोनेंट होगा, एक मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा जो इस पाथ को टच करता हुआ चलेगा, टेंजेंशियल मतलब पाथ को टच करता हुआ निकले, और पाथ को टच करता हुआ निकलेगा तो हम कौन से कंपोनेंट की बात करेंगे, पैरेलल कंपोनेंट की बात करेंगे। इसका मतलब इस पाथ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, ओनली टेंजेंशियल कंपोनेंट लेंगे, और टेंजेंशियल कंपोनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी एच टू टी होगी। हमने इस पॉइंट के ऊपर हर पॉइंट, इस मीडियम के अंदर हर पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच टू वैक्टर है उसको रिजोल कर दिया टू डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर, एक टेंजेंशियल के अंदर और एक नॉर्मल कंपोनेंट के अंदर। जनरली हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट इसका कितना है एच टू टी है, नॉर्मल कंपोनेंट कितना है एच टू एन वैक्टर। सिमिलरली अगर मैं यहां पे बात करूं इस मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की कितनी वैल्यू है एच वन वैक्टर है, तो हमने जब मैं इस पाथ को ट्रेस आउट करूंगा तो सिर्फ मेरे को एच वन वैक्टर का कौन सा कंपोनेंट चाहिए, टेंजेंशियल कंपोनेंट चाहिए। तो मैंने इसको भी दो कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक किया, एक तो टेंजेंशियल कंपोनेंट के अंदर, एक नॉर्मल कंपोनेंट के अंदर। सो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में बना, ऐसे बना, और इस लूप को मैं ऐसे ट्रेस आउट करूंगा तो इसके बीच के अंदर एंगल की वैल्यू कितनी आएगी 180 डिग्री आएगी, और इस केस के अंदर एंगल की वैल्यू कितनी आएगी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगी। और इधर जब मैं ट्रेस करूंगा तो कौन सा कंपोनेंट आएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं आएगा, इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, नॉर्मल कंपोनेंट आएगा, और इसमें दोनों मीडियम का नॉर्मल कंपोनेंट आएगा, इस मीडियम का भी नॉर्मल कंपोनेंट आएगा, कितनी विड्थ में आएगा W by 2 के अंदर। ऐसे ही नॉर्मल कंपोनेंट होगा, ऐसे ही मैं लूप को ट्रेस आउट करूंगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी नॉर्मल कंपोनेंट के साथ 0। इस केस में जब इस लूप को ऐसे ट्रेस आउट करूंगा तो नॉर्मल कंपोनेंट कौन सी फील्ड का आ जाएगा H1 का आ जाएगा नॉर्मल कंपोनेंट, और इसके बीच में कितनी लेंथ को ट्रेस आउट करूंगा W by 2, कितने एंगल को थीटा इज इक्वल टू 0। इसमें नॉर्मल कंपोनेंट कौन सी फील्ड का आएगा H2N का आएगा।
जब मैं ऐसे यहां से ट्रेस आउट इसको करूंगा, इसको मैं कर चुका हूं थीटा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऐसे होगा, ट्रेस आउट ऐसे करूंगा तो दोनों के बीच में ऐसे तो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ऐसे नो ऐसे हमारा क्रेस ट्रेस आउट हो रहा है, तो इसके अलोंग की थीटा की वैल्यू कितनी होगी 180। जब मैं ऐसे ट्रेस आउट करूंगा तो इस केस में नॉर्मल कंपोनेंट तो ऐसे होगा एच वन, इस कितने डिस्टेंस में ट्रेस आउट करूंगा डब्ल्यू बाई टू, लेकिन ट्रेस आउट किधर कर रहा हूं इसको ऐसे कर रहा हूं, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री। सिमिलरली इस केस में बन जाएगी, इसका नॉर्मल कंपोनेंट कितना होगा इस केस में एच टू एन होगा, ये होगा नॉर्मल कंपोनेंट, और किस डायरेक्शन में होगा इसका नॉर्मल कंपोनेंट, तो ऊपर वाले डायरेक्शन में, ट्रेस किधर करूंगा नीचे की तरफ ऐसे ट्रेस करूंगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री, कितने डिस्टेंस में W बाई टू यहां से लेकर यहां तक। तो अब जब मैं इसको ओपन कर रहा हूं और ये क्या है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, मींस दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है हमारे पास, स्केलर आता है, और स्केलर हमेशा डायरेक्शन नहीं होते, तो इसका मतलब इसको मैं किस में लिखूंगा, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूंगा, और एच वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखूंगा, तो जब लाइन इंटीग्रल को तो मैं ऐसे ट्रेस आउट करूंगा, तो सिर्फ कौन सा लूंगा इस वेक्टर फील्ड का कंपोनेंट लूंगा, कौन सा टेंजेंशियल कंपोनेंट लूंगा, और उसका भी क्या लूंगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लूंगा, तो ये क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एच वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर, इस पाथ को मैं क्या लिख सकता हूं अलोंग एबी को, इसका इसका तो मेरे पास क्या बन गया, टेंजेंशियल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड एच टू डी, और लाइन इंटीग्रल कितनी लेंथ के अंदर ट्रेस आउट कर रहा हूं इसको एल, डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आएगा कोस, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी जीरो, ठीक है ये समझ में आया, प्लस इसको 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 दो पार्ट में ट्रेस आउट करना पड़ेगा अलोंग बीसी के, इतना पार्ट तो किसका है, इस वाले कंपो मैग्नेटिक, कौन सा कौन से मीडियम का पार्ट लगेगा, मीडियम टू का, इतनी डब्ल्यू बाई टू के अंदर, और मीडियम डब्ल्यू बाई टू के अंदर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ है, क्योंकि अब मैं कैसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, तो ऐसे टेंजेंशियल कंपोनेंट तो मैं नहीं लूंगा ना, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं लूंगा, लेकिन कौन सा कंपोनेंट लूंगा, नॉर्मल कंपोनेंट लूंगा, और नॉर्मल कंपोनेंट क्या है एच टू एन, और कितनी डिस्टेंस के अंदर जा रहा हूं अब डब्ल्यू बाई टू, डब्ल्यू बाई टू कोस कितने एंगल के ऊपर जा रहा हूं जीरो, प्लस इस मीडियम के अंदर, इस मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट कितना है जिसका मैग्नीट्यूड है एच वन एन, कितनी विड्थ के अंदर ट्रेस कर रहा हूं डब्ल्यू बाई टू, थीटा की वैल्यू क्या है जीरो कोस जीरो, आगे इस पाथ के ऊपर आ गया, इस इंटीग्रल के ऊपर सीडी वाले पे, सीडी के अंदर जब चला तो इसके अंदर टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना है एच वन टी, इसका लाइन इंटीग्रल कितना है, लेंथ कितनी है एल कोस थीटा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कोस लिया, इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया 180 डिग्री, प्लस अब मैं इस पाथ के ऊपर आया, इस पाथ के ऊपर आऊंगा तो इतने पाथ को ट्रेस करूंगा मीडियम वन के अंदर, इतने पाथ को ट्रेस करूंगा मीडियम टू के अंदर, ये वाला जो लाइन इंटीग्रल है, इसने पाथ को जब ट्रेस करूंगा तो इसके अंदर क्या आएगा, ये हमारे कितने डिस्टेंस के अंदर ट्रेवल करना है डब्ल्यू बाई टू, इस वाले कंपोनेंट का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट, इस साइड कौन सा है नॉर्मल कंपोनेंट, तो क्या आएगा एच वन एन, कितने डिस्टेंस में ट्रेस कर रहा हूं डब्ल्यू बाई टू, कोस की वैल्यू क्या है दोनों के बीच में हम निकाल चुके हैं 180 डिग्री, प्लस और एक फैक्टर और रहेगा ये वाला, इस केस में मीडियम टू का एक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का कंपोनेंट नॉर्मल एच टू एन, कितना आएगा कितने डिस्टेंस में W बाई टू, कोस कितनी वैल्यू है 180 डिग्री। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, यहां से कोस जीरो की तो वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो ये तो क्या बन गया एच टू टी इंटू एल, ये कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं है यहां पे, एच टू एल है,
प्लस यहां पे जीरो है तो ये क्या बन गया मेरे पास एच टू एन डब्ल्यू बाई टू, ये बन गया। यहां पे ये क्या बन गया प्लस एच वन एन डब्ल्यू बाई टू कोस जीरो की वैल्यू। यहां पे इसकी वैल्यू 180 की वैल्यू, यहां पे देखो 180 की वैल्यू क्या होगी माइनस, तो माइनस एच वन टी, एच वन टी इंटू एल कोस 180 की वैल्यू माइनस वन आ गई है। यहां पर इसकी वैल्यू देखो कोस 180 माइनस आएगा माइनस यहां पे एच वन एन और डब्ल्यू बाई टू। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, यहां से मैं इसको ये वाली चीज तो इसके साथ थी तो मैं इसको लाइन खींच देता हूं ऐसे, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी 180 डिग्री माइनस है तो ये कितना आएगा एच टू एन और डब्ल्यू बाई टू ये आएगा। सिंप्लीफाई हो चुका है। अब यहां से देखो एच टू एन, एच टू एन डब्ल्यू बाई टू, डब्ल्यू बाई टू ये तो प्लस है ये माइनस है कैंसिल आउट हो गया। यहां से ये प्लस है ये हमारे पास एच वन एन, एच वन एन डब्ल्यू बाई टू कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब हमारे पास इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ चुकी है, लाइन इंटीग्रल की अभी मैं बात करूंगा, एच वेक्टर डी एल वेक्टर की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, दैट कम्स आउट टू बी, एक तो मेरे पास ये फैक्टर बचा है और ये फैक्टर कितना बचा है एच टू, हमारे पास ऊपर लिख देता हूं एच टू टी इंटू ये एल, तो यहां पे कितना बचा है एच टू टी इंटू एल, ये कट चुका, ये कट चुका, ये माइनस एच वन टी इंटू एल ये बचा, बाकी सब कैंसिल आउट हो चुके हैं। इसमें से हमने एल को कॉमन निकाल लिया तो क्या आ गया हमारे पास एच टू टी माइनस एच वन टी इंटू एल ये बन गया मेरे पास। अब हमने क्या कंडीशंस लगाई है, जब मैं इस कंडीशंस को मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, जब मैं इसके राइट इस वाले पार्ट को देखना स्टार्ट हुआ इसका मतलब ये चीज सिंप्लीफाई होकर, ये चीज सिंप्लीफाई हो गई मेरी और इस चीज को मैंने जब सिंप्लीफाई किया तो ये चीज सारी सिंप्लीफाई हो चुकी है, मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से। और इस चीज को जब मैंने सिंप्लीफाई करके रिटर्न आउट किया है तो मेरे पास क्या कंडीशन आई है, ये वाली कंडीशन बनी है। इसका मतलब इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, ये वैल्यू एच वेक्टर डी एल वेक्टर की जो वैल्यू बनी है वो क्या बनी है एच टू टी माइनस एच वन टी, टेंजेंशियल कंपोनेंट है ये इंटू एल, ये पार्ट बना है इसका। इसका मतलब हम इसको भी हटा देते हैं यहां से। अब हमने देखा इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, राइट हैंड साइड वाला पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास ये बन गया। तो मैं अब कंडीशन लगाऊंगा, जो इस लाइन इंटीग्रल है मेरा, इस लाइन इंटीग्रल की जो ये विड्थ है डब्ल्यू, ये विड्थ है तो इसको मैं क्या करूंगा श्रिंक करूंगा, मीन्स इसकी वैल्यू को मैं घटाऊंगा। जब मैं श्रिंक करूंगा इसकी वैल्यू को तो ये लाइन इंटीग्रल जो है ना, वो जो ये इस लाइन इंटीग्रल, ये जो एरिया था ना इसका, मतलब ये जो एरिया था देखो इधर एरिया कितना बनेगा इसका, डीएस वेक्टर कितना बनेगा, डीएस वेक्टर दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू, लेंथ इंटू क्या बन जाएगा विड्थ, ये बनेगा इसका एरिया। मीन्स इसका एरिया ये है टोटल क्लोज्ड लूप का। मीन्स जब हम इसको क्या करेंगे, इसको श्रिंक करेंगे, इसका मतलब हम क्या कंडीशन लगाएंगे उसकी बात कर रहा हूं। जब मैं इसको श्रिंक करूंगा तो जो ये सरफेस एरिया है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो ऐसे कन्वर्ट, जब मेरे पास देखो यहां पर एक सरफेस ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, यहां पर एक लाइन ऐसे है, जब मैं इसको ऐसे श्रिंक करता लाऊंगा तो ये बिल्कुल किसके साथ आ जाएंगे, ऐसे सरफेस के ऊपर आ जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगा। इसका मतलब सिर्फ जब मैं इसकी विड्थ को कितना कर दूं, इस विड्थ को मैं क्या कर दूं टेन टू जीरो कर दूं, तो क्या कंडीशन आएगी, जो ये सरफेस इसका एरिया है वो किस में कन्वर्ट होगा, ये सरफेस एरिया दैट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगी। सबसे पहले मैं अगर इसको देखूं
तो मैं इसका जो ये राइट हैंड साइड पार्ट है इसको लिख रहा हूं जे वेक्टर, ये करंट डेंसिटी है इसको अलग अलग लिख रहा हूं मैं डीएस वेक्टर, प्लस ये क्या बन जाएगा एप्सिलॉन डी इंटू ई वेक्टर, इनको ये कांस्टेंट होंगे कंट्रीब्यूशन नहीं होगा डीएस वेक्टर। यहां से जब इसको देखूंगा तो ये तो क्या बनेगा, ये तो पूरा का पूरा एज इट इज रहेगा, दैट इज इक्वल टू जे वेक्टर, करंट डेंसिटी है सरफेस, करंट डेंसिटी है ये इस सरफेस में जो करंट डेंसिटी थी, अब ये क्या बन गया प्लस एप्सिलॉन इनटू इसकी वैल्यू, तो ये तो कांस्टेंट है इस केस में तो हमने बाहर निकाल दी, और ये सरफेस एरिया बन गया सरफेस एरिया डीएस, और इसका सरफेस एरिया कितना है दैट इज इक्वल टू एल इंटू डब्ल्यू है, यहां पर ये है। जब मैंने इसके सिर्फ कंडीशंस को इसके साथ देखा, इसका मतलब इसकी एक एल तो देखो यहां से हम बाद में बात करेंगे, और मैं कंडीशंस क्या लगा रहा हूं व्हेन डब्ल्यू टेन टू जीरो, डब्ल्यू टेन टू जीरो मींस इसको श्रिंक कर रहा हूं, श्रिंक जब इसको करूंगा मींस इसके इसके सरफेस एरिया को कम करूंगा तो सरफेस एरिया किस में कन्वर्ट होगा लाइन इंटीग्रल में, और डब्ल्यू टेन टू जीरो कर रहा हूं तो क्या कंडीशन आएगी, हमारा जो इसका सरफेस एरिया है, सरफेस जो एरिया है सरफेस एरिया, और ये जो सरफेस एरिया की करंट डेंसिटी है वो क्या बन जाएगी दैट इज इक्वल टू सरफेस एरिया कन्वर्टेड इनटू लाइन इंटीग्रल, सरफेस एरिया जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन के ऊपर डब्ल्यू की वैल्यू जब जीरो करूंगा तो ये वाला फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी दैट कम्स आउट, इस फैक्टर के पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, लेकिन इसको मेरे को स्टडी करना है। तो इसका जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट था तो ये क्या बन चुका, इसकी जब वैल्यू जीरो हो गई तो ये सिर्फ क्या बन गया सरफेस, ये जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए करंट डेंसिटी इनटू डीएस वेक्टर। इसका मतलब जब मैंने ये कंडीशन लगाई है तो इसके जो करंट डेंसिटी थी वो क्या थी, सरफेस करंट डेंसिटी थी, जब मैंने इसको श्रिंक आउट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, मींस ये क्या कंडीशन लगा रहा हूं यहां पे, जो ये सरफेस करंट डेंसिटी थी, सरफेस करंट डेंसिटी कितनी है डेंसिटी दैट इज इक्वल टू जे है, जे वेक्टर है, ये किस में कन्वर्ट हो गई इज कन्वर्टेड इनटू लीनियर चार्ज डेंसिटी, लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट होगा ना, तो लाइन इंटीग्रल में इस लाइन के ऊपर क्या आ जाएगा चार्ज जो पूरे इसके सरफेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट था वो किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और लाइन की क्या होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं हम लैम्डा से। इसका मतलब जो ये सरफेस करंट डेंसिटी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब जो ये सरफेस इंटीग्रल था, सरफेस क्लोज सरफेस इंटीग्रल था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो इस कंडीशंस के ऊपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से मैं इसको हटा दूं तो यहां से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला जो दैट इज इक्वल टू ये क्लोज सरफेस जो था, ये आवर क्लोज सरफेस इंटीग्रल, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सरफेस था अब ये लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, और किसका लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू डीएल वेक्टर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास इस फैक्टर की वैल्यू को अब मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरे की वैल्यू को यहां से क्या लिख दूंगा, इसकी वैल्यू तो ये आ गई और इस फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये लाइन इन लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लाइन, और ये लाइन इन इसका मतलब मैं इसको यहां से हटा दूं
तो यहां से ये क्या बन गया, अब मेरे पास इस चीज को जब मैंने ये कंडीशंस लगाई है मीन श्रिंक आउट कर दिया, क्योंकि मेरे को कंडीशन तो इस सरफेस के ऊपर स्टडी करनी है ना, इसको मैं श्रिंक करूंगा तभी तो इस सरफेस के ऊपर पहुंच पाऊंगा। जब मैंने ये कंडीशन लगाई तो ये सरफेस करंट डेंसिटी किस में कन्वर्ट हो गई, लीनियर करंट डेंसिटी में कन्वर्ट हो गई, मीन्स लीनियर चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट हो गई। इस सरफेस के ऊपर जो करंट बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बनेगा, और वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास ये इंटीग्रल जो था, ये इंटीग्रल किसके बराबर बन चुका है, दिस इंटीग्रल, इसकी वैल्यू तो जीरो बन गई, और ये सरफेस करंट डेंसिटी किस में कन्वर्ट हो गई, ये लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गई, लीनियर के अंदर कन्वर्ट हो गई, डी एल के अंदर ये कन्वर्ट हो गई, और इसकी वैल्यू क्या बन गई, दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बन गई, ये लैम्डा को मैं बाहर निकाल लूंगा तो यहां से क्या बन गया, एच टू टी माइनस एच वन टी इंटू एल इज इक्वल टू, लैम्डा को बाहर निकाल लेंगे और ये क्या बन गया, क्लोज लाइन इंटीग्रल, और क्लोज्ड इसमें क्या बन गया, ये जितनी विड्थ है, जितनी ये विड्थ है उतनी ही ये बन गई। इसका मतलब इसकी मैं वैल्यू क्या लिख दूं यहां पर, दैट इज इक्वल टू एल, और यहां से ये एल से एल कैंसिल आउट हो गया। तो इस केस में क्या आ गया, एच टू टी माइनस एच वन टी इज इक्वल टू लैम्डा, मीन्स ये एच टू टी क्या चीज है, दैट इज ए टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन द मीडियम टू, एंड एच वन टी क्या चीज है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन द मीडियम वन। तो हमने यहां पे क्या कंक्लूजन निकाला, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इंटरफेस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस बट डिसकॉन्टिन्यूअस। इसका क्या मतलब हुआ, कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो क्या हुआ, इसकी वैल्यू चेंज करेगी, और किस अमाउंट से चेंज करेगी, जिस अमाउंट से लीनियर चार्ज डेंसिटी इस इंटरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, मींस एक यूनिट लेंथ के अंदर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी कौन, लीनियर कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। मींस क्या कंडीशन निकल के आई, हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या बोल रही है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट कॉन्टिन्यूअस बट चेंजेस बाय एन अमाउंट विच इज इक्वल टू किसके बराबर, लीनियर चार्ज डेंसिटी एट दैट इंटरफेस। सो दैट्स ऑल अबाउट द बाउंड्री कंडीशन। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।